ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। JYP ऑडिशन के बारे में बात करेंगे जो कि हर मंथ निकलते हैं। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा, अगर आप गूगल पे टॉप 10 या फिर टॉप 5 K-pop कंपनीज देखोगे तो आपका JYP जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। पहले पे HYBE आता है, उसके बाद SM Entertainment और थर्ड नंबर पे आता है JYP Entertainment। और अभी JYP Entertainment के ऑडिशंस निकल गए हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास फ़ोन है तो हम कैसे फिल करें, उनके लिए भी ये पूरी वीडियो है, यानी सबका ही सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दे दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है वो आप इधर देखिए। आपके पास 3 फ़ोटोज़ होने चाहिए आपके, डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ हों आपके, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हो। याद रखना, फ़ोटो को आप फिल्टर मत करना, उसमें किसी भी तरह का कोई फ़ोटोशॉप मत करना। एक होना चाहिए आपका फुल लेंथ फ़ोटो, एक होना चाहिए आपका मिड शूट और एक होना चाहिए आपका क्लोज़अप। जैसे आप देख सकते हैं क्लोज़अप आपका कुछ इस तरह से रहता है। अगर हम बात करें मीडियम शूट की तो ये मीडियम शूट है, फुल लेंथ आपकी इस तरह की रहती है। तो आपको इस तरह से अपने 3 फ़ोटो तैयार करने हैं। एक आपको डांसिंग करते हुए की वीडियो, वीडियो का साइज़ 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट MP4 में ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं MP4 में फॉर्मेट है। और एक आपके पास ऑडियो होनी चाहिए, ऑडियो आपके MP3 में होनी चाहिए। इस ऑडियो में आप सिंगिंग करके दिखा सकते हैं उनको, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करें तो कम से कम 100 वर्ड का आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, जहां पर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। कोई भी आपके पास यूनिक टैलेंट है वो आप लिख सकते हैं, और पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल रहना चाहिए, कोशिश करें आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में स्टोरिंग टेलिंग कर सकें। आप प्रूफ रीड वर्क भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपने अचीव किया है उनके प्रूफ भी उस सेल्फ इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। बाकी फिर भी अगर समझ नहीं आता सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में तो आप गूगल करके एक अच्छा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर बनाइए। और ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत क्यूट हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। गाइस देखो, अगर आप स्मार्ट दिखते हैं तो आपको इस तरह से अपने फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं ताकि आप उसमें स्मार्ट लगे। बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐसे देखे हैं हमने, आप रियल में कैसे हैं लेकिन फ़ोटो में अलग आते हैं। और अगर आप अपना टैलेंट उनको नहीं दिखा पाओगे तो भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है, JYP आपका करियर बनाने नहीं बैठा, वो अपने पैसे बनाने बैठा है। और अगर उनको 1% भी ये लगता है कि आप उनके प्रॉफिट्स नहीं करा सकते, आप उनके ग्रुप को, उनके बैंड को, या आप एक पॉपुलर सेलिब्रिटी नहीं बन पाओगे, आप उनके पैसे को डबल नहीं कर पाओगे, उनके प्रॉफिट्स को नहीं बढ़ा पाओगे, JYP एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपका सिलेक्शन हो पाना ना के बराबर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये सब कुछ आप उस कंपनी को जब दिखा पाओगे जब आपकी वीडियो में वो बात हो, आपके डांसिंग स्टाइल में वो बात हो, आपके ऑडियो में बात हो, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन दिखाता हो कुछ हाँ बात है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके फ़ोटोज़। आपके फ़ोटोज़ से ही वो जज कर लेंगे कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको इन्हीं सब चीज़ों पे करना है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हर महीने K-pop के ऑडिशंस निकलते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ निकलता रहता है। आप अपनी प्रिपरेशन 100% रखिए ताकि ये वाला ऑडिशन नहीं होता तो नेक्स्ट डेफिनेटली होगा। कुछ लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न और काफ़ी ज़्यादा थी कि जो JYP के मंथली ऑडिशंस हैं क्या हर मंथ निकलते हैं, तो इसका आंसर यही है कि बिल्कुल हर मंथ निकलते हैं। हर मंथ आप अपने ऑडिशंस दे सकते हैं। और अगर मंथ में डेट की बात करें तो 18 डेट आपको याद रखनी है, 18 डेज से लेके 25 या 27 डेट तक आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिर हम आगे देखेंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। और ये कोड आ चुका है जो है 519892, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं करूँगा इधर इसको पेस्ट। जैसे मैं इधर पेस्ट करता हूँ कंफर्म करेंगे तो ये आप देख सकते हैं वेरीफाइड लिखा आ गया है, ओके करेंगे और इधर हमारा जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है। और अभी गाइज कोई ऑडिशंस नहीं निकले हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो ये डेट ऑफ बर्थ और अप्लाई फॉर का
तो गाइज ये जो वीडियो है मैंने जब बनाई थी जब रजिस्ट्रेशंस नहीं निकले थे, और जब रजिस्ट्रेशंस नहीं निकलते तो अप्लाई फॉर का ऑप्शन आता है और डेट ऑफ बर्थ सही से काम नहीं करती, और मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और अभी जो मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा वहाँ पर आपको अप्लाई फॉर का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे ही जब ऑडिशंस निकलेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस भी ओपन हो जाते हैं, जब आप ये सब कर देते हैं तो अब तो चलिए गाइस इस वीडियो का तो काम खत्म हो गया। इसमें मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा था जब आपके JYP के रजिस्ट्रेशंस नहीं निकलते तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपका क्लिक नहीं होता और अप्लाई फॉर का ऑप्शन एक नया हमें देखने को मिलता है, और जब तक रजिस्ट्रेशंस रहते हैं ओपन तब तक क्या रहता है वो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये वेबसाइट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और जो कमेंट होगा जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर भी इस वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिलेगा। आप सिंपली अपने मोबाइल से क्लिक करेंगे तब भी आप इसी वेबसाइट पे आएंगे, बाकी मैं आपको बताऊँगा मोबाइल से कैसे फॉर्म फिल करना है। और ये है PC से जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, PC लैपटॉप वालों के लिए सेम है ये, आप देख सकते हैं आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अप्लाई का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ऑनलाइन ऑडिशन इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ जानना है तो आप FAQ पर क्लिक कर सकते हैं। सिंपली मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा नॉन कोरियन या फिर कोरियन, आप नॉन कोरियन से आपको इधर अप्लाई करना है। और आप अब इधर देख सकते हैं ये आ चुका है पूरा फॉर्म। सबसे पहले आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड ये आपको डालना है। ईमेल एड्रेस आपको वही डालना है जहाँ से वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा ईमेल एड्रेस मत दे देना जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, जिसके ईमेल आप रीड नहीं कर सकते। तो कोशिश करिए आप अपना ईमेल बना लीजिए, या फिर आपकी मदर का फ़ोन होगा या आपके बड़े भाई का फ़ोन होगा उनका ईमेल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बता देंगे अगर कुछ भी अपडेट आती है। चलिए सबसे पहले मैं इधर नेम डालता हूँ, नेम के बाद डालते हैं ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को मैं करता हूँ वेरीफाई, और जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया है तो ये रिक्वेस्ट फॉर वेरीफिकेशन कोड का ऑप्शन आ रहा है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट चली गई है मेरे जीमेल पे, मैं अपने जीमेल को ओपन करता हूँ और ये देख सकते हैं जीमेल के ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है JYP, ओपन करेंगे, ये वेरिफिकेशन कोड है, इस कोड को इधर से कॉपी करते हैं और इधर हम इसको पेस्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं। तो ईमेल ये आप देख सकते हैं वेरीफाइड लिखा आ गया है, ओके कर देते हैं, ईमेल अपना वेरीफाई हो गया है। अब बात करते हैं गाइस पासवर्ड की, तो मैं इधर पासवर्ड डाल देता हूँ। अब गाइस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है या फिर आपको ये चेक करना है कि मेरा जो फॉर्म है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए आपको अपना नेम याद रखना है, क्या आपने नेम फिल किया इधर, अपनी ईमेल आईडी, क्या आपने ईमेल आईडी फिल करी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने पासवर्ड क्या फिल किया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, ये इधर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, चलिए फटाफट डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं, और मैंने इधर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, हालांकि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मैंने ऐसे ही रैंडम डाली है, आपको अपनी ही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो रियल है। नेशनैलिटी की बात करते हैं, नेशनैलिटी इधर इंडिया, आपको इंडिया सेलेक्ट करना है अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जहाँ से भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर अगर आपको इंडिया फाइंड करने में प्रॉब्लम हो तो फिर आप इधर सर्च भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेंडर, मैंने फ़ीमेल के फ़ोटोज़ यूज़ करें तो मैं फ़ीमेल लेता हूँ, आप मेल हैं तो इधर आप मेल डाल सकते हैं। वेट मैं डाल देता हूँ 45, सॉरी ये हाइट है तो हाइट डाल देता हूँ 173। पहले आपको अपनी हाइट डालनी है उसके बाद आपको वेट डालना है, इधर आप सेंटीमीटर केजी से भी आइडिया लगा सकते हैं, मैंने इधर वेट डाल दिया है। कंट्री कोड की बात कर रहा है तो इंडिया का कंट्री कोड 91 है तो आप इधर 91 फाइंड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं प्लस 91 इंडिया। याद रखना गाइज अगर आपकी कंट्री का कोड नहीं आ रहा तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बेसिकली ये वीडियो मैं अपने भारत देशवासियों के लिए ही बना रहा हूँ तो हम लोगों के लिए तो ये आसानी रहेगा। इधर डालते हैं मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर मैं रैंडम डाल देता हूँ 10 नंबर का। अब आप इधर देख सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपका एक इंस्टाग्राम पे पेज होना चाहिए, यूट्यूब पे होना चाहिए, या फिर आप स्नैपचैट पे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे ज़रूर हों, जहाँ पर आप अपनी पहचान बनाइए, अपने फॉलोअर्स गेन कीजिए, ताकि जब इन फॉर्म्स को फिल करें
तो ये लोग आईडीज़ मांगते हैं आपके सोशल मीडिया की, ताकि वो देख सकें कि आप सोशल मीडिया पे कैसे दिखते हैं, किस तरह के पोस्ट करते हैं। और जब आप इधर अपना सोशल मीडिया अकाउंट डालते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो इधर मैं सोशल मीडिया अपना अकाउंट डाल देता हूँ, और वैसे ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। बात करते हैं प्रोफाइल्स की, और प्रोफाइल में मैंने आपको बताया था अपने 3 फ़ोटोज़ तैयार रखने हैं। सबसे पहले आपको फुल लेंथ फ़ोटो डालना है, सेकंड पे आपको अपना मीडियम फ़ोटो डालना है, और थर्ड पे आपको अपना क्लोजअप डालना है। बात करते हैं ऑडियो की, ऑडियो आपने MP3 में अपना सॉन्ग रिकॉर्ड किया होगा, वो आपको पेस्ट कर देना है। याद रखना है 50 MB से ज़्यादा का ऑडियो नहीं होना चाहिए, और 1 मिनट से ज़्यादा का भी मत करना। वीडियो की बात करें, आपके डांस करते हुए की वीडियो हो सकती है, तो मैं ये वीडियो डाल देता हूँ। वीडियो का भी सेम 50 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और 10 मिनट से ज़्यादा की वो वीडियो नहीं होनी चाहिए। सबको हमें एग्री करना है, ये मैं सब एग्री कर देता हूँ। और ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ये आपको इधर डालना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था सब कुछ अपने बारे में मेंशन करना है। फिलहाल मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऐसे ही डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, बट जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, चांसेस भी बहुत कम मिलते हैं, और एज का आपको पता है कितना बड़ा बैरियर है के पॉप इंडस्ट्री के अंदर। सिंपली ये सब एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद ये अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं। यस, ये आप देख सकते हैं गाइस, इन्होंने बोला है थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुल अप्लाई फॉर ऑडिशन। अब गाइस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो थोड़ा सा और देखिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि चल क्या रहा है। जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं, आपके पास इस तरह से थैंक यू का ऑप्शन आएगा, नीचे आपको माई ऑडिशन का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप इधर देखिए कोने में, आपको इधर माई ऑडिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, अपना नेम याद रखना है, अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड तो मैंने पहले ही डाला हुआ है, मैं इधर नेम डाल देता हूँ अपना, जो मैंने अपना फॉर्म फिल करते वक्त डाला था। करते हैं चलिए सर्च। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, ये फिर से वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। वेरिफिकेशन कोड पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, और मैं चलता हूँ अपने ईमेल पे। वेरिफिकेशन कोड को मैं डालता हूँ, ये रहा, इसको मैं करता हूँ इधर से कॉपी, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट। और जैसे ही मैं करता हूँ तो आप इधर देख सकते हैं 1 ऑनलाइन ऑडिशन, ये मैंने इधर अपना फॉर्म फिल कर दिया है, और ये अभी प्रोसेस में है। जैसी कोई अपडेट आती है, ये आप देख सकते हैं ये पूरा आ चुका है, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ चाहे तो। बाकी जैसी रिजेक्ट होता है, पास होता है या कुछ भी होता है, ये लोग आपको ईमेल करके बता देंगे, आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना JYP ऑडिशन का फॉर्म फिल करना है। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आप फ़ोन से इस चीज़ को कर रहे हैं तो कैसे आपको करना है, चलिए फ़ोन से भी देख लेते हैं। जैसे आप जो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है उसको आप अपने फ़ोन में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके फ़ोन में नज़र आएगा। आपको ये अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, फिर से आपसे पूछेगा आपकी एज, कोरियन से हैं तो, नॉन कोरियन से तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना है, और आपके सामने जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा, आप देख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, आपको अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, अपनी नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हाइट, वेट, कॉन्टैक्ट नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट, अपनी तीनों प्रोफाइल्स, वीडियो आपकी, सेल्फ इंट्रोडक्शन, टर्म्स और कंडीशन पे आपको सिंपली टिक करके और ये अप्लाई कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे, जब आपका थैंक यू लिखा आ जाएगा तो कोने में आपको 3 लाइंस मिलेंगी, आपको सिंपली इन लाइंस पे क्लिक करना है। आपको इधर माई ऑडिशन का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आई होप गाइज आप फ़ोन से भी समझ गए होंगे, जो लोग PC से फिल करेंगे उनके लिए भी सेम है, प्रोसेस बहुत ही सेम है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। पूरा जो फोकस है आपको करना है अपनी 3 फोटोज़ के ऊपर, 1 वीडियोज़ के ऊपर, 1 अपनी ऑडियो और अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर। अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। बाकी आपके कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। K-pop से रिलेटेड और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इंडियाज़ बेस्ट डांसर के बारे में जानना चाहते हैं, ऑडिशंस निकले हुए हैं, कैसे जाना है, क्या करना है, वो जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये ऊपर वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।